गुड मॉर्निंग सुप्रभा, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में बनने वाला है दीदी की रेसिपी मूली के पराठे। और आज क्रिसमस डे भी है, तो हैप्पी क्रिसमस डे। ठीक है, तो अब दिखाती हूँ मैं दीदी ने तैयारी कर ली है, पूरी प्रिपरेशन चालू है। ठीक है, तो दिखाती हूँ मेरे को दीदी है, देखते रहते होंगे तुम उनको। ये आटा भी कर चुका है और मूली उसको रख दिया है, अब उसको थोड़ा फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो और धनिया भी कट चुका है, मसाला भी तैयार है। और ये हम अब जी कौन सी वाली फीलिंग आ रही है हमें? कौन सी वाली? नहीं, होटल वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये हमारा नया जब से लगा है तब से हमें थोड़ा होटल वाली फीलिंग आ रही है। जैसे हम होटल में बना रहे हैं, तो दीदी ने डाल दिया फ्राई करने के लिए। और कुछ टाइम बाद अब हमारा मूली के पराठे तैयार हो जाएंगे। और आज के दिन की शुरुआत ऐसे हो गया हमारे मूली के पराठे से। तो थोड़ा सा अंकल जा, दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है और दीदी जाने वाली है, तो मैं दीदी के खाने को मिस करूंगी। और कुछ नहीं और कुछ नहीं और ज़्यादा पहले सबसे ज़्यादा खाने को मिस करूंगी मैं। और फिर तब दीदी को सेकंड नंबर पे दीदी आएगी। कटे हुए हमारे अंकल जी और उनके साथ दूसरे अंकल जी बाहर ही चल रही है टीवी साइड। मैं भी ये वाला बनाऊंगी, आलू वाला भी तो बना सकते हैं मैं सके। हाँ, तो गाइस ये है हमारे मूली के पराठे और मैं इसको खा रही हूँ। सॉरी गाइस, हमारा कोई बनाने का प्लान नहीं था इसलिए मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए बने, मैं खाऊंगी इसको। अगर ना हम रात को नमक डाल के इसको भिगोने को रख देते उसका और ज़्यादा पानी निकल जाएगा ना, वो और अच्छा हो सकता है। ओके, पराठे खाए और विद सॉस के साथ खुशी मिल गई। और अब तो थोड़ा मार्केट कुछ काम में देना, मिलते हैं आपको। हाय, दिल भी खुश मिजाज है, ये रास्ते अनजान झोंके हवा के मुझसे करने आते बातें, वादियों से रोशनी निकलती होती शाम। कहता हूँ फिजाओं से तू है जुनून, कुछ तो इनमें बात ऐसी मिलता है सुकून। बादलों के साथ में मैं कर रहा हूँ डांस, पेड़ों की ये जुल्फ मुझसे कर रही है रोमांस। बैठा हूँ पहाड़ों पे, बैठा हूँ पहाड़ों पे, मुझको ठंडी ये हवाएं, मैं बेचला हूँ इनमें मुझको कोई ना बुलाए। हाथों में कप ऑफ टी, मैं फोन ऑन TNT, ना ट्रैफिक ना ही भाग दौड़ वाली जिंदगी। ना जाने कैसा हो गया है मुझ पे ये असर, मैं रहना चाहता बस यही हो छोटा सा घर। बैठा 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 हूँ पहाड़ों पे,
ही बस कमाने में बहाने ढूंढता था रखने के मैं खुद को खुश। यहाँ समस्त है पहाड़ों के खजाने में, माना की सारी सुविधाएं यहाँ पे बनी नहीं, बड़ी इमारतें या मॉल यहाँ पे कहीं नहीं। वो ढूंढती रही लज़ानी और स्पेगेटी, पर जो मजा है मैगी चाय में वो कहीं नहीं। बैठा हूँ पहाड़ों पे, और तो मैं अभी दुकान जा रही हूँ दो मैगी के लिए और दूध की पैकेट लेने के लिए। तो ठीक थोड़ा बाहर का नज़ारा बताती हूँ, लेके आगे अब चलते हैं अपने घर को। रात हो गई है और ठंड इतनी खतरनाक लग रही है। और ये गाइस देखो, और हम अब किताब पढ़ते हैं क्योंकि हमारा कल पेपर है। और नमकीन खाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट भी करना। नहीं करना।